हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई है, जिसके साथ साफ ये हो गया कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना गया और अब वो गुरुवार को यानी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक का हिस्सा थे। वहीं आज नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब ये साफ हो गया कि कल यानी कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। 17 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे पंचकुला में नायब सिंह सैनी शपथ लेने वाले हैं। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह शालीमार ग्राउंड में होने वाला है। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होने वाले हैं। साथ ही बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाले हैं। इसके साथ ही नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में एनडीए के 37 बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा भी कर रही है कि नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह बेहद शानदार और भव्य होने वाला है। एनडीए के जितने सहयोगी हैं उन सबको निमंत्रण गया है, सबकी धीरे धीरे कन्फर्मेशन आ रही है, कुछ आज पहुंच रहे हैं, कुछ कल पहुंचेंगे, क्योंकि भव्य जीत है तो समारोह भी भव्य होगा। हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता कल इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होंगे। देश में भी बहुत लंबे अंतराल के बाद 1960 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में इतिहास रचा गया है कि तीसरी बार लगातार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल शपथ लेगी। तो हरियाणा में एक बार फिर से सैनी सरकार बन रही है और इसको लेकर के तैयारी इस समय तेज है। कल 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे होना है। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भी उसका प्रधानमंत्री भी उसका हिस्सा रहने वाले हैं। नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह शालीमार ग्राउंड में होने वाला है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित जो मंत्री हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जो दरअसल हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ा और इसके बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री बनाए जाने की औपचारिकता को भी पूरा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक की सभी तैयारियां पहले से ही पूरी हो गई है। बैठक सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुई और इसी बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने सभी पार्टी विधायकों को लगातार 2 दिन चंडीगढ़ में रहने को कहा है। इसके बाद आज बंद कमरे में बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनने के लिए अमित शाह के खुद आगे आने के चर्चाओं से बाजार गर्म हो गया। कोई इसे मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा के रूप में ले रहा था तो किसी के लिए अमित शाह का आना अनिल विज और राव इंद्रजीत की दावेदारी को उठने से पहले खारिज करने का कदम माना गया। बैठक के बाद अनिल विज खुद भी नायब सिंह सैनी की विधायक दल का नेता चुने जाने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। एमएलए ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, 7वीं बार चुन के आया हूँ, 7वीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होके छक्के मारूंगा। मुझे तो किसी गेट पे चपरासी बना देंगे ना तो मैं उससे भी खुश हूँ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वही अनिल विज हैं जो सीएम की कुर्सी का सपना देख रहे थे। चुनाव के दौरान भी इन्होंने इस बात का जिक्र बखूबी किया कि जनता का उन पर यह दबाव है कि वो हरियाणा के अगले सीएम बने। लेकिन आज जब विधायक दल की बैठक हुई तो सीएम पद का सपना देखने वाले अनिल विज खुद नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव पेश करते हुए नजर आए। विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक कृष्ण बेदी ने आज विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी का नाम रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक दल का नेता चुने जाने पर जब कृष्ण बेदी ने नायब सैनी का नाम रखा तो उस पर अनुमोदन किया अनिल विज ने। ये वही अनिल विज हैं जो कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी, यानी मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन बीजेपी चूंकि अनुशासित पार्टी कही जाती है, अनुशासित पार्टी होने के कारण एक बार जो केंद्रीय नेतृत्व जो तय कर लेता है उसके सामने बोलने की किसी को परमिशन नहीं होती, क्योंकि ऊपर से जो भी आदेश
आदेश आता है केंद्रीय नेतृत्व का वो सबको मान्य होता है। आज इसी की पालना करते हुए जैसे ही नायब सिंह सैनी का नाम का प्रस्ताव रखा गया उस पर अनिल विज ने उसका अनुमोदन करते हुए क्लियर शब्दों में कहा कि नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता बनाया जाए। अब विधायक दल के नेता के रूप में नायब सिंह सैनी चुने गए हैं और कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।